भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विभाजन विभीषिका के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश को विभाजन के संकट से गुजरना पड़ा। इस विभाजन में लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और देश की आजादी का ये स्वर्णिम काल भी अपनों के लहू से रक्त रंजित हुआ। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की जो नीति बनाई थी वो विभाजन के रूप में सामने आ चुका था। अभी भी ऐसे लोग हैं जो राजनीति के सहारे देश के विभाजन का सपना देख रहे हैं। हम उस विभीषिका को याद करते हुए ये संकल्प लें कि देश को एक मजबूत धागे में पिरोए रखेंगे। वाराणसी में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि आज वाराणसी में भारत माता मंदिर से काशी विद्यापीठ सरदार पटेल की प्रतिमा तक मौन जुलूस निकालकर विभीषिका का दंश झेल रहे लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब वो दिन निश्चित ही देश के इतिहास का वैसा काला दिन है जिस दिन इस देश के टुकड़े हुए, धर्म के नाम पर देश को बांटा गया और विभाजन की विभीषिका का दंश झेलने वाले वो पंजाब जो इस देश का सबसे समृद्ध राज्य था उसके लोग जिस कदर विस्थापित हुए। पश्चिम बंगाल का बंटवारा हुआ, बंगाल का उस बंटवारे के बाद न जाने लाखों लाख लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा, तिरंगा हमारा आन बान शान है। उस तिरंगा के तहत भाजपा के लोग भी, सरकारी विभाग के लोग भी, नगर निगम भी, मंत्रालय भी, सब मंत्रालय ने अलग अलग घरों में झंडा दे रहा है। तिरंगा हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, तो हर घर तिरंगा लग रहा है। उसी को हम लोग संबल प्रदान करने के लिए शहर में चार जगह 100-100 फीट यानी 10 तले ऊंचाई वाले झंडा शहर को समर्पित करने जा रहे हैं।